सब वाकिफ हैं उस बात से, और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन का खास दिन, क्योंकि फिल्म रिलीज से पहले तो यकीन प्रमोशन होता है, फिल्म की बात होती है, फिल्म रिलीज हो गई, लोगों तक पहुंच भी गई, लोग सराह भी रहे हैं, हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर? सुनो जी, आपने इस फिल्म को प्यार मिलना बहुत ही स्वाभाविक की बात है, बिकॉज राजश्री ने अपने 75 साल पूरे किए हैं, और 75 सालों में इन्होंने हमारे देश की जो परंपराएं हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट सामाजिक सांस्कृतिक जो तत्व हैं, उनको हमेशा मद्देनज़र रख के फिल्में बनाई हैं, 60 फिल्में बनाई हैं, और इसको बहुत प्यार मिल रहा है दुनिया से, जनता से। जब मैंने कहानी सुनी थी सूरज जी को, मैंने कहा था ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, और आज फिल्म हालांकि कल रिलीज़ हो चुकी है, हमारा साथ दिया है इन लोगों ने, महावीर जी ने हमें मिलाया अपने जीएम भाई से, और इन लोगों ने टिकटें बेच के हमारा ये आज हाउसफुल करवाया है। अभी मैं नीचे टिकट खरीदने गया था, बेचारा वो बड़ा अच्छा इंसान था जो टिकट बेच रहा था, तो मैंने उसको कहा कि भाई टिकट चाहिए एक, तो पहले तो उसने कहा कि मिल जाएगी, तो मैंने कहा मिल जाएगी, कहता जी आपको देनी पड़ेगी, वैसे हाउसफुल है। तो ये एक ऐसा बहुत कम होता है ज़िंदगी में, और पिक्चर सिर्फ एक तो हिट होना या अधिक चलना, उसमें तो टाइम और भी है, मगर जो लोगों को पसंद आ रही है, हर क्षेत्र के लोग, हर उम्र के लोग जो इसको इतने हमको मैसेजेस भेज रहे हैं, वो मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है। तो उसका जो जादूगर है वो मेरे यहाँ पर दोस्त हैं सूरज। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हम लोग सब बहुत ग्रेटफुल हैं, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हैं, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था ऑनेस्टली, जब ये पिक्चर हम लोग शुरू कर रहे थे तो कई लोग ये बोलते थे कि ऐसी फिल्म, लोग बोलते थे ओपनिंग कैसे लगेगी, रेगुलर लव स्टोरी होनी चाहिए, एक हीरो एक हीरोइन, इतने गाने होने चाहिए, बट आज जब ये पिक्चर लगी है और एक स्पेशल पिक्चर बनी है, और आज जब इतना सराहा जा रहा है, फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक जैसे कि एक पूरा संसार नया ओपन हुआ है, जिसमें पब्लिक हमें बोल रही कि अब वो फिल्में देखना चाहती हैं, अच्छी नई कहानी देखना चाहती है, एंटरटेनमेंट देखना चाहिए, एज डजंट मैटर, जो हमारी थीम है वो बिल्कुल ऑडियंस प्रूव कर रही है, और आज रिपीट ऑडियंस शुरू हो गई है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ लोग बोल रहे हैं 10 लोग 15 लोग, और सबसे खुशी की बात ये कि जो यंगस्टर जा रहे हैं वो नेक्स्ट की बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लेके जाना है। आई थिंक इससे बड़ा सत्कर्मा और क्या हो सकता है बच्चों के लिए, कि माँ बाप को ये खुशी दें कि उनको एक फिल्म लेके जाएं, तैयार होके लेके जाएं। ट्रेलर लॉन्च पे एक जर्नलिस्ट मुझे मिले और मुझे कहा कि ये फिल्म मैं अपनी माँ को दिखाऊंगा, और माँ जो है वो साड़ी पहन के और चोटी बना के जाएगी। तो ये जो जज्बात है वो आज सामने दिख रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज महावीर जी और जयंती भाई सबका इतना सपोर्ट रहा, इन्होंने इस पिक्चर में बिलीव किया, और ना कि अब, तब किया जब ये पिक्चर बस जो सीड बन रही थी इस पिक्चर की, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू। ये आइडिया कब से आया सर, आपको इस तरह का पिक्चर बनाना चाहिए? ये तो 2016 में सुनील गांधी जी एक कहानी लेके आए थे, तो मैं ये बनाने वाला नहीं था, क्योंकि ये आउटडोर पिक्चर है, अलग किस्म की है, मेरा ये स्टाइल ही, बट फिर जब पैंडमिक आया तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि गुड लुक्स, अमीरी गरीबी कुछ मैटर नहीं करता, जिसमें करेज का जज्बा है वही हीरो है, और ये करेज की कहानी है, तो मैं चाहता था कि मैं भी करेजस बनूं और कुछ ऐसा करूं जो मेरे अंदर की जो थोड़ा सा धूल से ढका नहीं हो मैं, कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, तो एक आज़ाद होके फिल्म बनाई, और आज उसी आज़ादी का आज ये फल है कि देखो ये आज मैं बैठा हूँ यहाँ। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि सुबह मुलाकात हुई अन्ना मौजूद, क्या अन्ना का भी कहना था कि भाई शुरू से जुड़े हैं, यहाँ भी आप शुरू से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? और जब मैं सूरज जी की बात करता हूँ या उनके सिनेमा की बात करता हूँ, तो शायद सबसे साफ सुथरा सिनेमा राजश्री से बेहतर कहीं नहीं आता, क्या कहना चाहेंगे? हाउ प्राउड यू फील यू नो यू हैव बीन ऑन बोर्ड अनुपम खेर साहब, सूरज सर, योर एसोसिएशन विद दिस टू जेंटलमैन? सो ऑनेस्टली वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस मूवी, यू नो राजश्री बैनर्स इज लाइक हमारे घर में, लाइक वी आर ऑल्सो मारवाड़ी, एंड संस्कार जो राजश्री के पिक्चर से जो हमें मिला है,
वो आज भी कायम है। आज मुझे सुबह एक मैसेज आया, हमारे कुछ फ्रेंड लोग मदर पेरेंट्स पिक्चर देखने आ रहे थे, तो इसे बेटा आज तक मैं कभी अपने बच्चों के साथ पिक्चर नहीं गया, लेकिन आज मेरे बच्चे ने बोला कि आप पिक्चर जाना है और साथ में जाना है। Yeah, I think this Suraj Bhaj, I mean Suraj ji वगैरह, I think we are very great grateful to them for associating with their movies, and I think this is one of the best movies I think we are going to see here. And also the best compliment you got from you. तीसरी ब्लॉकबस्टर तुम्हारी आ गई है. Excellent. This year belongs to sir. Yes. The biggest all blockbuster is coming from sir. सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जिंदगी की शुरुआत राजश्री से हुई. सारांश उन्होंने बनाई थी, चार फिल्में मैंने सूरज जी के साथ की है. सवाल उसका नहीं है, सवाल अच्छी फिल्म का जब चलती है ना, अच्छी फिल्म वो भी माउथ पब्लिसिटी से, लोगों को पता के लोग लेके जा रहे हैं सबको, उसमें एक बड़ा जो मज़ा आता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो सिनेमा बदल रहा है, ऑडियंस पर हम हमेशा ये दोष देते हैं कि ऑडियंस को नहीं, ऑडियंस तो वही है जो उनको अच्छा दिखाओगे और अच्छा लगेगा. और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि पैंडेमिक में लोग फेक चीज़ें नहीं देखना चाहते, उनको रियल देखना है कुछ. वो रियल चाहे ट्रेजेडी में हो, चाहे कॉमेडी में हो, चाहे कुछ, बट होना रियल चाहिए. आप कुछ और जब ये कहानी मैंने बनाई तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर किसी को था तो अनुपम सर को था, और इतना अनुभव है उन्हें. बट सबसे ज़्यादा जो उनमें नायक है कि जो सब्जेक्ट, जो पल्स है, मुझे याद है जब हम आपके कौन कहानी सुनी तो इन्होंने मेरे फादर को कहा कि लाठी चार्ज होने वाला है. विवाह कहानी सुनी तो पुलिस बुलानी पड़ेगी. और अब मैं तो बोल ही नहीं सकता क्या उन्होंने उस समय कहा था जब स्क्रिप्ट सुनी थी. बट अनुपम सर के पास एक नायक है कि अच्छे प्रोजेक्ट को पहचानते हैं, लेकिन उसमें फिर इतना जोश देते हैं हम सबको, एक एक टेक्नीशियन, क्योंकि उनका मेन है, मैं नहीं एज एन एक्टर नहीं, एज अ प्रोजेक्ट ये पिक्चर बननी चाहिए. और ये चीज़ अनुपम सर में, महावीर जी में, जयंती भाई में, सब में रहा कि ये पिक्चर पर्दे पे आनी चाहिए. और उन सब परिवारों के लिए, क्यों ताकि फैमिलीज फिर आए. और ये जो फिल्मों में जाते हैं लोग, बाहर जाते हैं, तो फिर एक ग्रुप जैसे अनुपम सर कहते हैं, ग्रुप एनर्जी अपने आप में एक ज्वलंत होती है, और फिर वो हैप्पीनेस वाइब्रेशन जाती है. सब फेलियर से आदमी फेलियर से सीखता है. अगर मेरे फादर ने बहुत, जब मैं छोटा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी. उन्होंने कहा था, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन. इवेंट फेल होता है, इंसान फेल नहीं होता. और अगर फेलियर आपको जो सिखाए तो फिर वो अनुभव बन जाता है. सक्सेस इज वन डायमेंशनल, फेलियर इज मल्टी डायमेंशनल. ये आखिरी सवाल मेरा आपसे, बहुत क्यूट लगता है जब आप और आपकी माताजी साथ में वीडियो बनाते सब. मेरी माताजी ने मुझे फोन किया, मुझे 3 बार और देखनी पिक्चर. वो क्या बोली कि तुम मुझे उस दिन उधर, जहाँ वो लाल, वो मसनंद हमारे कश्मीरी में बोलते हैं, मसनंद मतलब कारपेट, लाल मसनंद पे चला रहे थे, वहाँ लोग आ रहे थे, बीच में कभी जा रहे थे, मुझे 3 बार और देखनी है और थिएटर में देखनी है. तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इस फिल्म को कोई नहीं मिल सकता. एंड बिकॉज शी इज वेरी रियल एंड शी वॉन्ट्स टू टेक माई नेफ्यू विद हिम, एंड सो दिस इज आई थिंक इट ग्रेट. मतलब ये हमको, हम इनको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं. थैंक यू. थैंक यू.